माननीय चेयरमैन सर, जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसके पर क्लेरिफिकेशन पूछते हुए हमारे चड्डा जी ने कहा कि जो चाइना में जिस तरह से मीडिया न्यूज बन रही है और जिस तरह से वहाँ बीमारी फैल रही है, उसको देखते हुए चाइना से जो भी फ्लाइट आती है उसको टेस्टिंग करना चाहिए। माननीय चेयरमैन सर, हम इस विषय पर बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं, नहीं केवल चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ, तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी यहाँ पेशेंट, यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहाँ से भी आते हैं, तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है, और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। दोनों चीज़ को हमें देखना है, देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो, दोनों चीज़ों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देश में कोई नया वेरियंट ना आ जाए। तीसरा, अभी प्रिकॉशन जो हमारे तिरुचि शिवाजी ने कहा कि क्या तैयारी है, ऑक्सीजन है नहीं है, कोई दिक्कत होगी, हमने आज से नहीं कल तो विषय इसलिए उठा कि मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि सम्माननीय 3 सांसद ने राजस्थान से मुझे पत्र लिखा और उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई और कई लोग ये यात्रा में शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए, सम्माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद, तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरी ये जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं इसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी, वो एक बात है। लेकिन जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था, हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। आज देश में हर हॉस्पिटल में, जो बड़ी हॉस्पिटल है वहां PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। मैं रेगुलर मिनिस्ट्री से हर 15 दिन में रिव्यू करता हूँ कि बंद तो नहीं हो गया है ना, चालू है ना, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी बहुत बहुत बड़ा खर्च होता है और रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की कम होती है, तो अनलेस अनयूज पड़ा रहता है, तो समय पे हम उसका उपयोग कर पाए इसलिए हमने रेगुलर उसका फॉलोअप भी लिया है। और उसके साथ फॉलोअप लेने के बाद मेरे संज्ञान में आया चेयरमैन सर कि ये प्लांट में चलाने में खर्च है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट कम है, तो क्या करें। तो मैंने कहा कि आप उसको PPP मोड से किसी को चलाना दे दो ताकि वहां से ऑक्सीजन उसमें से बनने वाला ऑक्सीजन का उपयोग करके दूसरी जगह पे भी वो बेचे और उसको अच्छी तरह से चलाए ताकि हॉस्पिटल को आवश्यकता हो तब वो बंद ना हो, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट भी सारा चालू है। देश में सभी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन का भी हमने रिव्यू कर लिया है, मेडिसिन प्रोडक्शन का भी हमने रिव्यू कर लिया है। आज दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस होने लगी है, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाले लोग हैं, हम तो हमारे घर के द्वार पर लाभ शुभ लिखते हैं, हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं है। जब लास्ट दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि नहीं केवल भारत की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है लेकिन दुनिया को भी मदद करना है। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई की थी, और चेयरमैन साहब केवल मेडिसिन सप्लाई की ऐसा नहीं, क्राइसिस थी तो हम प्राइस भी बढ़ा सकते थे। दुनिया आज हिंदुस्तान की वाह वाह इसलिए कर रही है, ऐसी स्थिति में इंडिया ने प्राइस नहीं बढ़ाया और सस्ती मेडिसिन दी। दूसरा, उस वक्त हमने भी कई कंट्री से कई चीजें इंपोर्ट की थी और वो कई बार कुरियस भी पाई गई, 150 कंट्री में से कोई भी कंट्री की शिकायत नहीं आई कि इंडिया से आई हुई कोई भी मेडिसिन कुरियस हो। ये दो काम हमने करके दुनिया को दिखाया और आज हम तैयार हैं हमारे देश की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पूरी करें, आज हम तैयार हैं देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें, और आज हम तैयार हैं आने वाले दिनों में, आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा, तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है, ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, लेकिन भी ये वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है, हम सब लोगों की जिम्मेवारी। हम नहीं कहते कि हमने ही सब कुछ कर दिया, हम कहते हैं कि सब लोगों ने साथ में मिलकर किया है, और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होकर फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। ऑनरेबल मेंबर्स,